नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देख रहे हैं ध्वनि न्यूज, द साउंड ऑफ ह्यूमैनिटी। दोस्तों, जैसा जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी का धाम है, वैसा ही हूबहू एक धाम है इंदौर में। आपको दिखाते हैं कैसी ये गुफा है और कितनी लोकप्रिय है माता के भक्तों के बीच में। इंदौर के मुख्य पर्यटन स्थल में वैष्णो धाम बेहद खास है। जम्मू के वैष्णो देवी की तर्ज पर इसे हूबहू माता वैष्णो के कटरा स्थित धाम जैसा बनाया गया है। जम्मू के वैष्णो धाम की तरह इस मंदिर में आपको गुफा के रास्ते में गर्भगृह तक पहुंचकर माता के दर्शन मिलते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित ये आश्चर्यजनक मंदिर श्रद्धालुओं को रोमांचित भी करता है। यहाँ मौजूद गुफा पार करने के दौरान आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी मानव निर्मित गुफा में हैं। गुफा के रास्ते में एक दो जगह कृत्रिम रूप से गहरी खाइयां और झरने भी बनाए गए हैं। यहां दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये स्थान कटरा में विराजित माँ वैष्णो देवी के दरबार का अनुभव करवाता है। मंदिर के गर्भगृह में जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर की विराजित मां की पिंडियां हूबहू स्वरूप में विराजमान हैं। खास बात यह है कि ये तीनों पिंडियां भी वैष्णो देवी मंदिर से यहां पर लाई गई हैं। नवरात्र में लालबाग के समीप मां वैष्णो देवी का दरबार सजा रहता है। हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नवरात्र के दिनों में मंदिर की छटा निहारने लायक होती है। बाहर से गुफा नुमा दिखाई देता मंदिर प्रवेश के साथ ही कटरा स्थित देवी के पवित्र धाम का एहसास करवाता है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर 3 साल बाद हम माता जी के दर्शन करने के लिए आए, बहुत हर्ष और उल्लास के लिए बहुत खुशी हुई हम लोगों को। पहली बार ऐसा हुआ कि माता के दर्शन हो पाए 3 साल बाद। कोविड के कारण हम कुछ नहीं दर्शन नहीं कर पाए थे। कोरोना इतना भयंकर प्रकोप में था कि किसी मंदिर के दरबार नहीं खुले हुए थे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, माता के दर्शन हुए हमें, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। श्रद्धालु बाकायदा मानव निर्मित प्राकृतिक सी दिखाई देने वाली गुफा के बीच होकर एक अलौकिक दुनिया का अनुभव करते हैं। गुफा की यात्रा के दौरान भक्तों को शिव परिवार के भी दर्शन देखने को मिलते हैं, जिसके बाद आगे बढ़ते हुए श्रद्धालु माता के गर्भगृह तक पहुंचते हैं। यहां श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी की तर्ज पर पिंडी स्वरूप विराजित महागौरी, महाकाली और माँ सरस्वती के दर्शनों का अवसर मिलता है। माँ के तीनों रूपों के दर्शन कर भक्त खुद को निहाल महसूस करते हैं। मंदिर के संस्थापक को स्वप्न आने पर माँ वैष्णो देवी के इस अद्भुत धाम की स्थापना की गई थी। तब से ये स्थान श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र भी बना हुआ है। मंदिर को बने हुए 13 साल हो गए। ये ममता मई श्री सुरेंद्र कौर ग्रोवर जी हैं, इनको सपना आया था कि अपने घर के सामने मंदिर बनाइए, तो इन्होंने अपने घर के सामने ये भवन का निर्माण किया। ये सामने दोनों साइड अखंड ज्योत है, ये माँ वैष्णो देवी दरबार कटरा से लेके आए, और ये माँ का पिंडी रूप है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पीछे इनके स्वरूप हैं, तीनों देवियों का एक रूप होता है माँ वैष्णो देवी। कोविड के बाद बहुत सुरक्षा कर दी गई है मंदिर में, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि नवरात्रि मंदिर खुल गए हैं अब, और खिचड़ी प्रसाद का वितरण, कन्या पूजन और नवमी को भंडारे का आयोजन रखा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं ध्वनि न्यूज, द साउंड ऑफ ह्यूमैनिटी।